हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज प्लान जिनिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो आशी का एक फुल डे रूटीन है। जी हाँ, काफ़ी रिक्वेस्ट आपके आ रहे थे तो मैंने मोटा मोटी एक फुल डे रूटीन आपको बताने की कोशिश की है। तो आशी करीब 8 बजे उठ जाती है, तो सबसे पहले मैं उसको दूध पिलाती हूँ। उसके बाद उसको मैं ब्रश करवाती हूँ। ब्रश वो खुद से करती है, वो सीख चुकी है, 3 साल की है। मैं बस उसको गाइड करती हूँ कि कैसे टर्न करना है ब्रश, लेकिन अब वो अच्छे से कुल्ली भी करती है, टंग क्लीन भी करती है और वो खुद से कर लेती है। तो यहाँ मैं बोलूँगी कि आप बच्चों के साथ में रहो और बच्चों को बोलो करने के लिए, तभी वो खुद से सीख पाएंगे। आशी के ब्रश के लिए हमने वो बच्चों वाला टूथपेस्ट हमने यूज़ किया है। इसका जो टेस्ट है वो बबलगम जैसा है, तो इसको काफ़ी पसंद आता है। आशी के लिए ये टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, किड्स बनी नाम है इसका। ये बच्चों के लिए स्पेशली टूथपेस्ट आता है। इसका फ्लेवर जो होता है वो चॉकलेट बबलगम जैसा होता है, तो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। तो ये टूथपेस्ट है, आप बच्चों के लिए मंगवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद उसे खेलना बहुत पसंद है, तो ऑलरेडी वो दूध पी चुकी है, तो तुरंत उसे भूख नहीं लगेगी। तो मैं उसको फ्रीज छोड़ देती हूँ, ड्राइंग रूम में जी भर के खेलती है। अभी देख सकते हैं आपने, वो बीच बनाया है, उसमें ऑक्टोपस है, फिश है, तो ये सारी चीज़ें वो करती रहती है। तो बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। इसका इमेजिनरी बीच है, यहाँ पर वो सैंड डक कर रही है, आप देख रहे हैं वो काफ़ी बिजी है। इसके बाद मैं उसको नहलाती हूँ और मैं नाश्ता करवाती हूँ। Ashi is having a breakfast, right? Yes. Ashi is having mixed vegetable dalia in a breakfast. Yes. It's 9 o'clock. Oh, 9 o'clock. Ashi, you brushed your teeth? Yes. You took your bath? Yes. Okay, now it's time for breakfast. Yes. Okay, chalo, bye bye. Bye bye. अभी करीब 11 बज रहे हैं और आशी को मैं बनाना शेक पिला रही हूँ। मैं अपना वीडियो भी कुछ एडिट कर रही हूँ, तो साथ में वो भी कलरिंग वगैरह कर रही है। What are you having, Ashi? Banana shake. You love it, Anna? No, it's Dr. Brown. You're calling Dr. Brown? Yes. Why? Ashi, do you love banana shake? No, I don't. Dr. Brown is coming. Dr. Brown is a favorite character. इसका favorite character है Peppa Pig का। तो जब भी मैं इसको कुछ खाने को बोलती हूँ तो ये मुझे धमकी देती है कि मैं डॉक्टर ब्राउन को बुला दूंगी। चलो चलो, फिनिश करो, लेट्स फिनिश इट। मम्मी डर जाएगी डॉक्टर। ये मम्मा डर जाएगी। हेलो, इट्स 2 o'clock नाउ और अभी 2 बज रहे हैं और आशी खेल रही है अभी तक पजल के साथ। पजल अभी बच्चों को काफ़ी, मुझे लगता है 3 साल की एज में ना, इंटरेस्ट लाता है। और मैं उसको अभी, आप देख सकते हैं, आलू पराठा खिला रही हूँ। आलू पराठा इज़ वेरी हेल्दी, और चूंकि आज वो सुबह मॉर्निंग में दलिया खाई तो शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग चावल दाल राइट नाउ। आशी, यमी है? हाँ। यू लव इट? हाँ। ओके। तो अभी इसका रूटीन यही चल रहा है कि मॉर्निंग में उठ के इसने ब्रश वश किया, रेडी मैंने इसको किया। अभी गर्मी है ना, तो मॉर्निंग में मैं इसको नहला देती हूँ। उसके बाद ये ब्रेकफास्ट करती है, उसके बाद ये खेलने में लग जाती है। इसने अभी कार्टून देखा। कौन सा कार्टून देखा आशी? पेपर पॉ पेट्रोल। पॉ पेट्रोल। ओके। और पेपा देखा आज? नहीं, पेपा नहीं देखा। ओके, पॉ पेट्रोल देखा। मैं कोशिश करती हूँ जो भी कार्टून्स हैं, मैं इसको निक जूनियर चैनल, उसमें इंग्लिश में आता है, तो मैं वही दिखाती हूँ, सो दैट लैंग्वेज समथिंग उसको प्रॉब्लम नहीं हो आगे जाके। तो मुझसे काफ़ी सब्सक्राइबर पूछते हैं कि मैम ये बताइए कि बच्चे इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे। तो वो माहौल बनाना होगा, यू हैव टू वर्क, आपको काम करना होगा। और जो भी कोशिश करिए, जो कार्टून्स दिखा रहे हैं या शोज दिखा रहे हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि बच्चे आसानी से उसको पकड़ लें। ओके, आशी इज कुकिंग फूड। व्हाट आर यू मेकिंग आशी? क्या बना रही हो? यू आर मेकिंग आइसक्रीम। वाओ। लंच के बाद आशी खेलने में लग जाती है। इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, बट वो बच्चों के लिए बहुत, मुझे लगता है, बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो मैं होम स्कूलिंग उसका भी करवा रही हूँ, और जो भी ऑब्जेक्ट है उनके साथ मैं उसको थोड़ा लर्निंग पूरी कोशिश करवाती हूँ। बिकॉज बहुत कुछ होता है घर में, आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ओके, दिस इज ग्रीन। ओके, टेल मी वेयर इज पिंक कलर। पिंक कलर, वेयर इज पिंक? शो मी पिंक कलर। ओके ओके, टेल मी वेयर इज ऑरेंज। ओके, ऑरेंज कलर किधर है आशी? वेयर इज ऑरेंज? ओके, दिस इज ऑरेंज। ओके, टेल मी वेयर इज ब्लू कलर? वेयर इज ब्लू कलर? ओके, दिस इज ब्लू कलर। सो यू आर मेकिंग सम आइसक्रीम, राइट? ओके, कैन आई हैव सम आइसक्रीम? ओके, सो दिस इज द वे आशी लर्न्स अ कलर।
ये सारे टॉयज है आशी के, जिसमें वो डिफरेंट कलर्स को एक्सप्लोर करती है, देखती है। आप भी बच्चों को इनकरेज करें कि वो कलरफुल टॉयज के साथ खेलें, आप भी खेलें साथ में, और बच्चों को इस तरह से कलर्स सिखाएं। अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, मेरी बेटी सो गई है और आप देख सकते हैं उसके सोने के बाद ये रूम कुछ ऐसा दिखता है। अभी मुझे करीब 1 घंटे लगेंगे इन सबको ठीक करने के लिए, बिकॉज कहीं भी पैर रखने की भी जगह नहीं है। मैं सबको अरेंज करूँगी, फिर 1 घंटे बाद यही होना है। बच्चों के साथ यही होता है, दिन में रात में जब उनको टाइम मिलता है वो बस ऐसा ही कुछ करते हैं। दिन में आशी करीब 2 से 2.5 घंटे सोती है, तो अभी मैं उसके लिए बनाना केक बना रही हूँ, आटे का बना रही हूँ। आप चाहे तो मॉमी स्पेंट इंडिया का इंस्टा पेज चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई हैं। कोई इंटरेस्ट है तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उसका रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, आशी उठ गई है और उसने सबसे पहले अपना ड्रेस चेंज करवाया। अभी पता नहीं क्या इसको चल रहा है, हमेशा ड्रेस चेंज करती रहती है। इसके बाद वो कलरिंग कर रही है, इसके बाद वो साइकिलिंग कर रही है बालकनी में ही हमारे, वो साइकिलिंग करती रहती है। एक अच्छी बात है हमारे बालकनी में कि आसपास लीची के पेड़ काफ़ी हैं कैंपस में, तो थोड़ा सा टाइम पास उसका लीची के साथ भी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन ग्रीन लीची है। तो ऐसा करते करते रात के 7 बज जाते हैं। इसके बाद मैं आशी को नहलाती हूँ, कुछ नाश्ता कराती हूँ और फिर वो अपने खेलने में लग जाती है। इसके साथ ही जब वो थक जाती है तो रात को 9-10 के करीब डिनर होता है हमारा और उसके बाद वो सो जाती है। तो ये एक छोटा सा रूटीन है बच्चों का, जो सारे बच्चों को ऑलमोस्ट रहता होगा इसका भी है। तो प्लीज़ मुझे लिख के बताएं ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मॉमीज़ प्लांट इंडिया। थैंक यू।